1498 में पोर्चुगीज भारत आते हैं। उसे समय काल में एक पोर्चुगीज ऑफिसर एक भारतीय व्यापारी से कहता है कि तुम्हारा मुगल बादशाह नेवी पर ध्यान नहीं दे रहा और जिस तरीके से हम समंदर के रास्ते भारत आ पहुंचे हैं और भी यूरोपियन शक्तियां भारत आएंगी और अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। और आगे चलकर हम देखते भी हैं कि फ्रेंच, इंग्लिश, डैनिश और पोर्चुगीज भारत के अलग अलग हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। आज इस नए भारत में किसी भी विदेशी देश का मिलिट्री बेस नहीं है, जबकि भारत का मिलिट्री बेस पूरे विश्व में फैला हुआ है। आखिर भारत विदेशी देशों में अपने मिलिट्री बेस क्यों बनाता है? कारण तीन है। पहला, भारत को जियोपॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलती है और राष्ट्र सशक्त होता है। दूसरा, होस्ट नेशन को संरक्षण देता है और उनके मिलिट्री को ट्रेनिंग प्रदान करता है। और तीसरा, व्यापारी जहाजों को संरक्षण देता है। 1991 में सोवियत यूनियन से निकलकर एक नया देश बनता है जिसका नाम होता है कजाकिस्तान। और इसी देश में 2002 में भारत अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाता है, फरखोर एयरबेस। फरखोर एयरबेस ताजिक एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के कोलैबोरेशन से चलाया जाता है। सेंट्रल एशिया में अब भारत की एक मजबूत पकड़ है, क्योंकि ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान पर पड़ता है और साथ में इसकी स्ट्रैटेजिक दूरी पाकिस्तान से केवल 900 किलोमीटर की है। भारत सेंट्रल एशिया में अपने पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक बेटर डिफेंस अलायंस के लिए कई सारे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, जैसे कि प्रबल दोस्त कजाकिस्तान के साथ, खंजहर किर्गिस्तान के साथ और दस्तिक उज्बेकिस्तान के साथ। चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है और एक रणनीति लाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस रणनीति के अनुसार भारत को इंडियन ओशन में एक घेरे के अंदर लाया जा रहा है। इसी के काउंटर में भारत भी एक रणनीति लेकर आता है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इसके तहत भारत भी अलग अलग देशों में अपने पोर्ट्स यानी मिलिट्री बेस को स्थापित कर रहा है। पहला, चंगी नेवल बेस इन सिंगापुर। दूसरा, सबंग पोर्ट इन इंडोनेशिया। तीसरा, अजम्पशन आइलैंड इन सियाचेल्स। चौथा, डूकम पोर्ट इन ओमान। और पांचवा, चाबहार पोर्ट इन ईरान। चाइना ने पाकिस्तान पे ग्वादार पोर्ट का निर्माण किया और इसी के लिए भारत का चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान ईरान में एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस देता है, जिससे भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपने व्यापार को मजबूत करता है। वेस्ट एशिया में आगे बढ़े तो भारत का सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस ओमान में। ओमान में भारत के 3 नेवल बेस और 1 एयर बेस है और भारत मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। उनके एग्जांपल हैं, ओमान के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, अल नग, नशीम अल बर, ईस्टर्न ब्रिज। यूएई के साथ होता है बिलाट और डेजर्ट ईगल और इजराइल के साथ होता है ब्लू फ्लैग। 2018 में भारत ने एक मिलिट्री बेस ओपन किया सिंगापुर में, चांगी नेवल बेस। इससे भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज प्राप्त है। वहीं भारत सिंगापुर के साथ नेवी एक्सरसाइज करता है सिम्बेक्स और आर्मी एक्सरसाइज करता है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। अभी हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया में सबंग पोर्ट पर अपना मिलिट्री बेस बनाया। भारत इंडोनेशिया के साथ 2 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, आर्मी गरुड़ शक्ति और नेवी समुद्र शक्ति। 2007 में भारत ने अपनी पहली फॉरेन लिसनिंग पोस्ट स्टैब्लिश की मेडागास्कर। ये भारतीय मिलिट्री बेस मेडागास्कर को सेफ्टी प्रदान करता है, साथ में वहां से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों को संरक्षण देता है पायराइट से। आगे सियाचेल्स में भी भारत का अजम्पशन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस है,
जहां से हम रडार सिस्टम के माध्यम से सर्वेलेंस का काम करते हैं। और हमारा एक और मिलिट्री बेस है मॉरिशस में एगलेगा आइलैंड पर। नेपाल को सभी तरीकों के हवाई हमलों से बचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने नेपाल के सुरक्षित एरिया में एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया है। नेपाल के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है सूर्य किरण। बांग्लादेश के साथ करते हैं संप्रीति आर्मी टेबल टॉप एयरफोर्स। श्रीलंका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं मित्र शक्ति आर्मी सिलनेक्स नेवी। भारत के मिलिट्री बेसिस इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश मिलिट्री में सुपर पावर बन रहा है और हमारा देश और सशक्त हो रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।